हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ऐसे पैक के बारे में बताने जा रही हूँ जो आप घर पे आसानी से बना सकते हैं और जो आपके किचन में हमेशा मौजूद रहता है। ये एक नेचुरल ब्लीच भी है, तो इसके लिए मैंने लिया है एक आलू, एक छोटा टमाटर, आधा गाजर, आधा खीरा और ये फ्रेश एलोवेरा का टुकड़ा। और आप अब मेरे पास नहीं है, अगर चुकंदर भी टूट अगर आपके पास हो तो एक टुकड़ा बीटरूट भी ले सकते हैं। इन सबको मैंने मिक्सी में लेके छोटा छोटा टुकड़ा करके पहले पीस लिया है, उसके बाद इससे हम बनाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ऐसे पैक के बारे में बताने जा रही हूँ जो आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और जो आपके किचन में हमेशा मौजूद रहता है। ये एक नेचुरल ब्लीच भी है, तो इसके लिए मैंने लिया है एक आलू, एक छोटा टमाटर, आधा गाजर, आधा खीरा और ये फ्रेश एलोवेरा का टुकड़ा। और आप अब मेरे पास नहीं है, अगर चुकंदर भी टूट अगर आपके पास हो तो एक टुकड़ा बीटरूट भी ले सकते हैं। इन सबको मैंने मिक्सी में लेके छोटा छोटा टुकड़ा करके पहले पीस लिया है, उसके बाद इससे हम बनाएंगे निकाल लिया है। इसके जूस को मैंने क्या किया है, फ्रिज में जो आपके आइस ट्रे होती है उसमें मैंने इसको जमा दिया है। उसको क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले मैं बताती हूँ इसकी जो जूस निकालने के बाद, आपको पता है मैं कुछ भी फेंकती नहीं हूँ, छानने के बाद जो इसका वेस्टेज निकला है उससे मैं एक पैक बनाने वाली हूँ जो बहुत ही अच्छा आपकी स्किन को ग्लो करेगा। इसका काम ये ब्लीच का भी काम करेगा। ऐसे ब्लीच तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि मार्केट वाला ब्लीच में एमोनिया होता है जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाता है, कभी कभी दाग धब्बे भी छोड़ जाता है। एमोनिया अगर ज़रा सा भी ज़्यादा मात्रा में पड़ जाए तो वो क्या करता है, स्किन को काला कर देता है। तो एक बार ब्लीच करने के बाद तुमको लगता है मेरा चेहरा चमक गया है, लेकिन क्या होता है थोड़े दिनों बाद उसमें भी काले काले पैचेज आने लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये पैक। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक चम्मच चावल का आटा, उसमें मैं मिला दूँगी ये जो पिसे हुए ये सारे आलू, टमाटर, खीरा और गाजर का पेस्ट। खीरा, चावल का आटा, ये सब क्या है, इनमें ब्लीचिंग एजेंट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे स्किन को ग्लो कर रहता है। इससे क्या होता है हमारी स्किन बहुत ज़्यादा चमकने लग जाता है और जितने भी दाग धब्बे हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। इस पर फिर हम मिलाएंगे, अभी तो बॉम्बे में तो बारिश हो रही है लेकिन बाकी जगहों में बहुत चिपचिपी गर्मी है, तो आपको एक कूलिंग इफेक्ट देने के लिए इसमें आप थोड़ा सा चंदन पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। तो इसमें हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा चंदन पाउडर। अगर आपके पास चंदन पाउडर ना हो, ये पूजा की दुकान में मिल जाता है, अगर ना हो तो आप इसमें पीसी हुई चंदन भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो आप इसमें थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी भी मिला सकते हैं। और अब इसमें हम मिलाएंगे एक चुटकी कस्तूरी हल्दी। हल्दी के बिना तो हमारा कोई भी स्किन रेमेडी जो भी अपना ये अधूरा ही रह जाता है। इसके बाद हम इसको पेस्ट बनाएंगे। इसको आप बना के देख लीजिए, अगर ये ठीक से बन जाता है तो इसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं ये मोटा लगता है तो जो जूस हमने बनाया था उसी जूस का हम एक चम्मच इसमें मिला लेंगे। ये हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है, अब इसको हम एक साइड में रख लेते हैं। सबसे पहले कोई भी होम रेमेडी, कोई भी फेस पैक, कुछ भी लगाने से पहले अपने स्किन को साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस्तेमाल करती हूँ एश्योर का, ये वेस्टीज कंपनी का है इसका क्लिंजर टोनर। थोड़ा सा हाथ में लेके बस 2-3 मिनट में मैं इसको मसाज करूँगी। गीले कॉटन से पोंछ लूँगी।
अब हमें इस पैक को थोड़े मोटे मोटे ही लगा लेने हैं। इस तरह जहाँ पे एग भी आपके झाइयाँ वगैरह हो, तो ये जो आलू, खीरा, टमाटर, चावल का आटा, ये जो है सारे दाग धब्बों को निकाल देता है। आपकी स्किन अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें 2-3 बूंद नारियल का तेल या बादाम का तेल, जो भी आपके पास हो, वो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से पूरे फेस में लगा के इसको 10 से 12 मिनट रखना है, फिर उसको आप वॉश कर लीजिए। 10 मिनट बाद, थोड़ा सा ड्राई होने के बाद, मैंने थोड़ा सा हल्का मसाज करते हुए पैक को उतार दिया और सिर्फ साफ़ पानी से चेहरे को धो लिया। तो मैं वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने जल्दी उतार दिया, आप थोड़ी देर और रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। फिर भी आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे कैसा ग्लो आ गया है, और मैंने हाथों में भी लगा लिया था तो आप हाथों को भी देख सकते हैं कितना ब्राइट हो गया। अब जो मैं आपको सेकेंड वाला बताने जा रही हूँ, नाइट क्रीम, नाइट क्रीम के लिए मैंने लिया है, इसमें फ्रेश एलोवेरा तो नहीं लिया है, इसमें मैंने ये मार्केट वाला एलोवेरा जेल ही लिया है। तो इसमें मैंने 2 चम्मच एलोवेरा जेल डाला है। मेरे पास ये छोटी वाली खाली बोतल रहती है तो मैं इसको फेंकती नहीं हूँ। इसमें मैंने 2 चम्मच ये एलोवेरा जेल डाला है, और इसमें डाला है 1 चम्मच ये बादाम रोगन का तेल, सभी टीस्पून में लेना है, टेबलस्पून नहीं। और ये विटामिन ई की 2 कैप्सूल मैंने इसमें डाल लिया है, और इसको मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। अगर आपको क्रीम बेस में रखना है नाइट क्रीम, तो इन तीनों को मिला के आप रख सकते हैं, और इसको आप ऐसे, इसका ये ऐसा होगा, ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा। इसको आप रात को सोते समय चेहरे को क्लींजिंग मिल्क से साफ कर लें, उसके बाद इसको लगा के पूरी रात छोड़ दें और सुबह साफ पानी से धो लें। अगर आपको ये नहीं चाहिए ऐसा क्रीम बेस में, तो आप इसको अगर लिक्विड फॉर्म में करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फरमाइश आए थे कि अभी जो है बर्तन घिसते घिसते लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का हाथ पैर जो है बहुत ड्राई हो गया, तो सब मुझे बोल रहे थे हाथ पैर सॉफ्ट रखने के लिए कुछ मैं उनको रेमेडी बताऊँ। तो ये जो है ये 2-in-1 मेथड है। इसको ही अगर हम लिक्विड फॉर्म में बना लेंगे, तो एक बॉटल में रख लेंगे, ये क्या होगा, रात को हम फेस में भी एज ए फेस सीरम लगा सकते हैं, और नहीं तो हम हाथ पैर को भी, हाथ पैर जहाँ आपको लगाना है, बॉडी में भी आप लगा सकते हैं, कहीं भी आपको लगाना हो, इसको रात को आप लगा के एज ए सीरम आप यूज़ कर सकते हो। तो सीरम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मेरी जो है ये रोज़ वाटर की बॉटल खाली हो रही है, इसमें थोड़ी सी बची हुई है, तो इसमें मैं मिला के रख लूँगी। ये जो मैंने ये नाइट क्रीम का ये जो बनाया था, ये सारा इसमें गुलाब जल और थोड़ा सा ग्लिसरीन मिला के हम बॉटल में भर के रख लेंगे, तो एज ए फेस सीरम या आप कहीं भी ये एज ए सीरम आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप अपने हाथ पैरों पे, फेस पे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं अब आपको बता रही हूँ, जो मैंने वो आइस क्यूब रखे थे आइस जमने के लिए, वो बनने के बाद अभी उसका हम क्या करेंगे वो मैं बताती हूँ। अब देखिए मेरे ये मैजिक आइस क्यूब ये बन के तैयार हो गए। ये जो मैंने जूस निकाला था, इसको मैंने फ्रीज़र में जमने के लिए रख दिया था। जो पैक मैंने आपको बताया है, बहुत सारी लेडीज़ बोलती इतना टाइम नहीं है, कौन इतना बनाता है, लगाता है, लगा के रखो फिर ना, तो उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी, ये जो आइस क्यूब्स है इनको आप जमा के फ्रिज में रख लीजिए। आप कभी भी जब भी किचन में कुछ काम कर रहे होते हो, तो आप जस्ट इसको अपने जितने भी दाग धब्बे वाले पोर्शन है उनमें लगा के 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ये जो है आपको उतना ही फ़ायदा करेगा जितना वो पैक। तो बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता है पैक बना के लगाने का, या कभी कभी क्या होता है, खाना बनाते बनाते हम किचन में कभी भी तवे में, गर्म तवे या कढ़ाई कुकर में टच हो जाता है, तो हमारा स्किन जल जाता है। तो वहाँ पे भी आप इस स्किन को, इसको क्यूब, आइस क्यूब को लगाएंगे, तो आपका जो है वो स्किन में जो जलने की जो दाग होती है वो नहीं रहेगा। तो ये इसका बहुत ही फ़ायदा है। इसको मैं मैजिक
आइस क्यूब बोलती हूँ, क्योंकि ये कभी भी जैसे आप मेकअप से पहले कहीं जाना है, आप मेकअप कर रहे होते हो तो क्या होता है, बहुत पसीना आता है बहुत सारे लोगों को, तो क्या आप 5 मिनट इसको रगड़ लीजिए अपने स्किन पे, तो क्या होगा, आपको एक नेचुरली ग्लो भी आएगा और आपको पसीना भी नहीं आएगा, आपके पोर्स बंद हो जाएंगे, तो उसके ऊपर आप फटाफट कोई भी मेकअप कर सकते हैं, तो है ना, ये बहुत फ़ायदे की चीज़। उसके बाद आपने देखा इसमें, इस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया आपको, एक फेस पैक बताया, एक आइस क्यूब बताया जो मैजिक क्यूब के जैसा काम करता है, एक मैंने आपको नाइट क्रीम और नाइट सीरम बना के बताया। इस सीरम को आपको मैंने बताया कि अगर आपको क्रीम इसमें यूज़ करना है तो आप उसको छोटे बॉटल में भर के रख लीजिए, या आपको सीरम के जैसा यूज़ करना है तो आप इसको एक ऐसे बॉटल में, स्प्रे बॉटल में बना के रख लीजिए, और कभी भी रात को सोते समय क्लीन करने के बाद हाथ पैर सब जगह आप लगा के सो जाइए, अगले दिन सुबह नॉर्मल वॉश कर लीजिए। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और इसका फीडबैक मुझे दीजिए। अगर आपको ये रेमेडी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले किसी अच्छे रेमेडी के साथ।